हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी तो फ्लाइट से सफर किया ही है। कई बार हमारा सफर बहुत ही अच्छा और बहुत ही आरामदायी होता है, लेकिन कभी कभी ये सफर उतना अच्छा नहीं जाता। हर एयरलाइंस कंपनी अपने कस्टमर्स को अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ एयरलाइंस कंपनियों की सेवाएं बहुत अच्छी रहती है तो कुछ की बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 2020 साल की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कंपनी। नंबर 10 पे है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस। यह एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी की शुरुआत अगस्त 2000 साल में वर्जिन ब्लू नाम से हुई थी। तब कंपनी के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट थे। कंपनी के पास आज के तारीख में कुल 98 एयरक्राफ्ट है। ये कंपनी बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छी सेवाएं प्रदान करने का मान रखती है और इसे बेस्ट केबिन क्रू का भी अवार्ड मिल चुका है। ये कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है। और तो और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया को बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी 777 केबिन के लिए प्राप्त हुआ है। नंबर 9 पे है कतार एयरवेज, जो कतार गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है। इस कंपनी का हेड ऑफिस दोहा कतार में स्थित है। 1994 में शुरू हुई ये कंपनी एयरलाइन जगत में बहुत जानी पहचानी है। आज इस कंपनी के पास 200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है और करीबन 40,000 लोग इस कंपनी में काम करते हैं। कतार एयरवेज फेमस है इसके बिजनेस क्लास के लिए और इसे बेस्ट कैटरिंग और बेस्ट बिजनेस क्लास का भी अवार्ड मिल चुका है। इसके बिजनेस क्लास सूट्स वाकई लाजवाब और काबिले तारीफ है। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है बिजनेस क्लास के लिए। नंबर 8 पे है ईवा एयर कॉर्पोरेशन। ईवा का फुल फॉर्म है एवरग्रीन एयरवेज। ये एक प्राइवेट ताइवानीज कंपनी है। ईवा कंपनी के एयरक्राफ्ट ज्यादातर इंटरनेशनल रूट पे चलते हैं। ये ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। स्काईट्रेक्स ने इस एयरलाइंस को 5-स्टार एयरलाइंस का मान दिया है, यानी इस कंपनी के हवाई जहाज 5-स्टार होटल की तरह माने जाते हैं। ईवा एयरलाइंस कंपनी ने पहली बार 1992 में प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की शुरुआत की थी, जो एक ट्रेंड सेटर बन गया था। ये एयरलाइंस हमेशा क्लीनलीनेस और आराम के लिए मानी जाती है। लग्जरियस होने के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी फ्लाइट्स ये मानी जाती है। सातवें नंबर पे है वर्जिन एटलांटिक। ये एक ब्रिटिश एयरलाइंस कंपनी है। 1984 में शुरू हुई ये एयरलाइंस पहले सिर्फ लंडन और फॉकलैंड आइलैंड के बीच उड़ान भरती थी। वर्जिन एटलांटिक के पास एयरबस और बोइंग वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के मिक्स फ्लीट है। एयरलाइंस अपने कस्टमर को 3 क्लास उपलब्ध कराते हैं, जिनमें शामिल है इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम और अपर क्लास। वर्जिन एटलांटिक पहली ऐसी एयरक्राफ्ट कंपनी है जिन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को पर्सनल एंटरटेनमेंट की सर्विस प्रोवाइड की थी। छठे नंबर पे है एमिरेट एयरलाइंस। 1985 में शुरू की गई ये एयरलाइन कंपनी दुबई गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन तथा दुनिया की 4th नंबर की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी मानी जाती है। फरवरी 2019 तक एमिरेट्स के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरबस A30 एयरक्राफ्ट थे, जो कि 115 है। एमिरेट्स हमेशा अपने कस्टमर को खुश और सेटिस्फाई करने की कोशिश में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करता रहता है। इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा बहुत ही हाई माना जाता है। पांचवें नंबर पे है कैथे पैसिफिक, जिसे कैथे भी कहा जाता है।
ये हांगकांग की कंपनी पैसेंजर्स तथा गुड्स कैरियर में काम करती है। कहते दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी मानी जाती है। 2010 में कहते पैसिफिक दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो एयरलाइंस बन गई। एशिया में ज्यादातर कस्टमर्स लंबे प्रवास के लिए कहते पैसिफिक को पसंद करते हैं। कहते पैसिफिक की सर्विस और क्वालिटी के लिए इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई है। चौथे नंबर पे है कांतास एयरवेज। ये ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी मानी जाती है और ये दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी एयरलाइंस कंपनी है। कांतास दो शब्दों के द्वारा बनाया है, क्वींसलैंड और नॉर्थर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। इसे प्यार से फ्लाइंग कंगारू भी कहा जाता है। ये एयरलाइंस खास तौर पे अपने लॉन्जेस और अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है। तीसरे नंबर पे है ऑल निप्पॉन एयरवेज यानी एना, जिसे ज़ेनिकू भी कहा जाता है। ये जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। इसका हेड क्वार्टर्स टोक्यो में स्थित है। ये कंपनी अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है। टाइमिंग, सफाई और कंफर्ट तो इस कंपनी के प्रायोरिटी बन गई है। सभी क्लासेस के कस्टमर्स हमेशा इस कंपनी से खुश पाए गए हैं। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर की ये एयरलाइन कंपनी स्काई ट्रैक्स द्वारा 4 बार बेस्ट एयरलाइंस कंपनी घोषित की गई है और 20 साल तक ट्रेवल एंड लेजर के लिस्ट में हमेशा अव्वल आई है ये कंपनी। और तो और एयरबस A380 और दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बोइंग 787 इसी कंपनी ने सबसे पहले बार इस्तेमाल की थी। 2019 में स्काई ट्रैक्स ने इस कंपनी को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन केबिन क्रू का भी अवार्ड जारी किया था। पहले नंबर पे है एयर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ये कंपनी 1965 में शुरू हुई थी। 2010 और 2012 में इस कंपनी को एयरलाइन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ था। 2014 में इस कंपनी को दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइंस का खिताब जेटडेक द्वारा दिया गया था और 2020 में एयरलाइंस रेटिंग्स ने 6ठी बार इसे दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस घोषित किया है। ये अवार्ड इस कंपनी को इसकी इनोवेटिव आइडियाज और सेफ्टी की वजह से दिया गया है। करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए।